Hey guys, welcome back to my channel. तो जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि you want to see my village vlog, तो maximum लोगों ने बोला yes we want to see. तो चलिए आज आपको हम अपना गांव घुमाते हैं, अपनी विलेज बताते हैं. तो हमारी जो विलेज है धर्मशाला में ही है. धर्मशाला से थोड़ा अंदर जाके एक विलेज पड़ेगी खन्यारा. और इस ये कोई आम विलेज की तरह, बाकी विलेजेस की तरह नहीं है. मैं इस विलेज के बारे में आपको आगे आगे वीडियो में बताती जाऊंगी. तो सबसे पहले आपको विलेज में वो पीछे मेरे मंदिर दिख रहा होगा, तो चलिए आपको पहले इस मंदिर के बारे में बताती हूँ. मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में इस मंदिर का जिक्र किया होगा. तो ये जो मंदिर है ये है नाग देवता जी का मंदिर. कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वाले लोग हैं वो इस मंदिर को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा. और सबसे बड़ी बात, नाग देवता जी जैसे जो भी बारिश होती है वो सब इनके ऊपर डिपेंड करता है. जो नाग देवता हैं इनके लिए मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊंगी इस मंदिर के लिए. ये जो है सात भाई हैं. ये जो नाग मंदिर आपको दिख रहा है तो ये टोटल सेवन ब्रदर्स हैं. और इसमें से एक भाई का जो इंदौर नाग टेम्पल में, मैंने आपको इसका व्लॉग भी बताया हुआ है. और एक जो है थाथरी मंदिर, थाथरी है नाम की जगह खन्यारा में ही, तो एक भाई वहाँ पे रहते हैं इनके, तो वो भी मैंने आपको बताया हुआ है. तो बाकी अब धीरे धीरे मैं आपको अपना गांव बताती हूँ. तो देख सकते हो इस तरह से कुछ व्यू है मेरे गांव का, और ये मेरे घर के पास का व्यू है. तो अब जो है यहाँ पर काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं गाइस. पहले जैसे होते थे कच्चे घर होते थे, अब वो बहुत कम, मतलब मैं अपना बताऊँ तो मेरे घर के पास ही सिर्फ दो घर बचे हैं, बाकी सब ने बना लिए हुए हैं. लेकिन वो जो घर होते थे ना वो बहुत सही होते थे. वैसे वैसे घर आप देखने को बहुत कम मिलते हैं. जैसे आप वो सामने घर देख सकते हो, मेरे घर के बिल्कुल सामने है. तो यहाँ पे सिर्फ इस एरिया में सिर्फ यही एक घर बचा है. तो अब लोग भी काफ़ी मॉडर्न हो गए हैं, तो उन्होंने अपने घर के स्टाइल सब कुछ बदल लिया हुआ है. आप देख सकते हो मेरे घर के ऊपर ये पूरी धोलाधार वैली है. और ये यहाँ का व्यू है. और बाकी अब हम आपको लेके चलते हैं आगे. देखो जैसे ही जिमी को पता लगा कि अब हम यहाँ से जाने वाले हैं, मतलब बाहर आप लोगों को दिखाने, तो ये पहले ही रेडी होगी है और इसको पहले ही निकलना है. अब मैं इसको जान के ऐसे शो करती हूँ कि मुझे निकलना है. देखो अब इसकी एक्टिंग, सब बोलते हैं ओवर एक्टिंग करती है. मैं जिमी को नहीं जाने दूंगी. रुक जा, बड़ी खराब है ये, इसको जाना है पहले. देखिए गाइस इसको कैसे भागना. सबसे पहले डर ही लगता है देखो, फिर हमें आगे भी नहीं निकलने देती है. यही अब आपको पूरा घर खन्यारा घुमाने वाली भाई. जिमी बताओ आप कहाँ जाना है, जिमी बताओ कहाँ जाना है. जिमी बोल रही है अब आगे लेके चलते हैं हम आपको वाटर टैंक के पास खन्यारा में, जो वाटर टैंक. और गाइस ये देखिए ये यहाँ से पानी जो जा रहे हैं, यहाँ पे लोग गर्मियों में नहाते हैं और कपड़े भी धोते हैं लोग. वो तो गर्मियों सर्दियों लोग यहीं पर धोते हैं. जिसको पहाड़ी लैंग्वेज में कुल बोलते हैं. तो गाइज आप देख सकते हो ये हमारा विलेज है. मैं सबसे सुंदर कौन है, सबसे सुंदर कौन है तुम दोनों में. अच्छा वाइट वाली है, ओ ठीक है तू ही है. सबसे बदतमीज कौन है तुम दोनों में, वो भी वाइट वाली है. लड़ता कौन है तुम दोनों में, वाइट वाली. अच्छा दोनों एक बराबर हो. अच्छा तुम ज्यादा लड़ती हो. अच्छा दोनों, अच्छा अच्छा जब फिर लड़ पड़ी. तो गाइस देखो ये दोनों भी लड़ी जा रही है. कैसा लगा मेरा मजाक. चलो आगे लेके चलते हैं आपको जल्दी से वाटर टैंक के पास. गाइस देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, जब हम छोटे होते थे तो जैसे हमारे दिसंबर में पेपर ख़त्म होते थे, फाइनल होते थे, तो हम लोग ना यहाँ पे पिकनिक बनाने आ जाते थे, क्योंकि हमारी घर से ज़्यादा दूर था नहीं.
तो हम छोटे छोटे होते थे, हम थोड़ा सा सामान इकट्ठा करते थे, हम चार पांच कजन्स होते थे, दो चार फ्रेंड्स होते थे, हम यहाँ पे पिकनिक बनाने आ जाते थे। और यहाँ पे सबसे खास बात बताऊँ क्या है, अभी बताती हूँ आपको, अंदर लेके चलो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चलिए गाइस आपको लेके चलते हैं। तो गाइस जब हम यहाँ पे आते थे ना, तो हम क्या करते थे, हमें क्या लगता था यहाँ पे, एक्चुअली मुझे अभी भी पूरी क्लियर नहीं है यहाँ पे होता क्या, एक्चुअली यहाँ पे पानी है इसके नीचे, और वो पानी पता नहीं कुछ उबलता है या क्या, तो उससे कुछ आवाज़ आती गर्म करके। तो जब हम छोटे होते थे तो हम बोलते थे इसके नीचे भूत है, और हम क्या करते थे, हम एक दूसरे को डराते रहते थे। तो हम पिकनिक भी यहीं बनाने आते थे और डरते भी बहुत थे। तो आइए आपको मैं कोशिश करती हूँ सुनाने की। अभी अभी जैसे यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा करके बना दिया है, तब वहाँ पे छोटा सा पत्थर रखा था, हम उसको उठाते थे और नीचे से आवाज़ आती थी। एक्चुअली ऐसे जैसे मुझे लगता है यहाँ पे पानी जनरेट होता है, तो उस वजह से आवाज़ आती है। तो आप मैं आपको सुनाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको कुछ भी आवाज़, अभी इसके अंदर से आवाज़ आ रही होगी शायद आपको, मे बी। अभी इसको थोड़ा ऊपर करके बना दिया हुआ है गाइस, मैं अभी कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की। आपने देखा यहाँ पे कैसी आवाज़ आ रही थी, तो हम ऐसे ही एक दूसरे को डराते थे। तो ये बहुत अच्छी जगह है, हम यहाँ पे पिकनिक भी बनाने आते थे। तो आगे लेके चलते हैं आपको मेन वाटर टैंक तक। तो गाइस ये वाटर टैंक्स हैं, हम यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर खेलते थे जब हम छोटे थे। तो आज तो मैं अपनी आपके थ्रू अपनी सारी यादें ताज़ा कर रही हूँ। और देखिए गाइस ये बहुत कम भरा होता है, वैसे आज भरा हुआ है, वैसे ये तीनों ही खाली होते, ये तीन टैंक है। और गाइस जब हम छोटे होते थे तो पता है हम क्या बोलते थे, कि जो भी हम कॉर्नर कॉर्नर खेलते थे और यहाँ से बीच से भागते थे, हम खतरों के खिलाड़ी बना के खेलते थे। तो हम बोलते थे जो भी इस टैंक के बीच में गिरेगा नीचे से पानी उसे खींच लेगा। और गाइस कभी खेल खेल में बॉल वगैरह चल जाती थी, तो हम घुसे भी थे अंदर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इट्स माय लाइफ, तो आप देख सकते हो। हाँ जब हम पैदल होते उससे छोटे होते का है ये टैंक, तो मुझे लगता है पहले का ही होगा। वाटर टैंक खनी आ रहा मैं, और आप देख सकते हो इस तरह का टैंक है यहाँ, ये बाद में बना था एक्चुअल, पहले वो ही होता था मेन। और गाइस देखिए जिमी कितनी तेज है, अब जिमी को पता है अभी हम अंदर हैं, तो वो बाहर हमारा वेट कर रही है पहले से। तो गाइस ये है वाटर टैंक हमारे गांव का, और ये देखिए व्यू। एक्चुअली गाइस जो यहाँ पे ड्यूटी देता है अंकल वो आ चुके हैं, और अब हमें डर है कि वो हमें पकड़ के पीटते हैं ना। तो अब हम शॉर्टकट लेके निकलने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि हम आपको दिखाने के लिए रिस्क लेके अंदर घुसे थे। एक्चुअली ये घुसने नहीं देते, क्योंकि बच्चे बच्चे घुस के थोड़ा गन डाल देते और यही पानी हम पीते हैं, तो इस वजह से ये अंदर किसी को आने नहीं देते हैं। तो अब हम यहाँ से शॉर्टकट आप देख सकते हो यहाँ से निकलते हैं, और फिर आपको आगे मिलते हैं। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। मुझे लग रहा है ये गेट से हो शायद आज, दीदी इधर से निकलो ना फिर। हाँ। अंकल आ रहे हैं, मान के भागने की करो। इसीलिए अपने साथ ऐसे बच्चे ले जाने चाहिए जो ऐसे कामों में माहिर होते हैं।
अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस अब हम आपको टॉप पॉइंट पे लेके जाते हैं जहाँ से पूरा हनियारा दिखेगा, और बाकी जो है हम यहाँ ये जो रोड जा रहा होगा, जो लोग यहाँ से आए उनको पता तो होगा ये रोड कहाँ का है। ये जाएगा खड़ोता और लूंगटा के लिए, तो अभी हम आपको ऊपर टॉप पॉइंट पे लेके चलते हैं। सो लेट्स गो गाइस, देखिए हम ऊपर तक जाएंगे अभी टॉप पे। जिमी आगे चली गई थी और बेचारी हमारे पीछे पीछे आ रही है, हम भी थक गए ये पहाड़ जैसी चढ़ाई चढ़ते। और देखिए हमारी जिमू, मेरा जिमू है कर गया आगे। जिमी वेरी गुड आए, वाह मेरा बच्चा, इधर शाबाश, कम बेबी, कम 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 कम, गुड गुड, बस यहाँ पे बस 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 है। जिमी बोली मैं आपसे आगे निकल के बताऊंगी, मैं फर्स्ट हूँ। जिमी फर्स्ट आई है, सांस चढ़ गया बेचारी, सांस चढ़ चुकी है जिमी की, वहाँ बैठ रही है। जिमी फर्स्ट आई, तालियां, वेरी गुड जिमी। आगे नहीं जाना, सेट अप सेट, अभी यहीं से वापस जाएंगे। जिमू सिट डाउन, बेचारी हमें ढूंढते ढूंढते पहुंच ही गई। चलो गाइस मैं आपको बताती हूँ यहाँ से पूरा खनियारा। गुड मॉर्निंग खनियारा, तो देख सकते हो गाइस यहाँ से आपको पूरा खनियारा दिख रहा है। मोली रीजनल सेंटर, जो रीजनल सेंटर में पढ़ते हैं बच्चे वो कमेंट करके बताएं। और बाकी वहाँ पे आ गया हमारा 0 पॉइंट, और खनियारा में इंद्रनाथ के साथ साथ एक और मंदिर भी बहुत फेमस है जिसका नाम है अघंज महादेव मंदिर, और लोकल लोग इसे झाड़ी का मंदिर भी बोलते हैं। गेस वाई इसे झाड़ी का मंदिर बोला जाता है, क्योंकि ये मंदिर जो था वो झाड़ियों के बीच में था, है सॉरी, इस वजह से इस मंदिर को झाड़ियों का मंदिर बोला जाता है। देख सकते हैं बहुत सुंदर मंदिर है, यहाँ का भी व्लॉग बनाऊंगी अलग से और आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे आता है लूंगटा, वो जो रोड जा रहा है गाइस सामने, वो लूंगटा के लिए जा रहा है, और जहाँ भी मेरी जिमी जाने की कोशिश करी है वो रोड जा रहा है खड़ोता के लिए। तो ये सभी स्पेशलिटीज़ हैं खनियारा की, आप देख सकते हो। और अभी सनसेट भी हो रहा है तो हम इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं, क्या मजेदार व्यू है। गाइज आपको पता है धर्मशाला में जो विलेज है खनियारा, ये फुट हिल्स में है धौलाधार वैली के, और अब जो खनियारा एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है। और सबसे बड़ी बात इसकी एक और है कि खनियारा जो है एशिया में रिचेस्ट पंचायत में आता है। वो क्यों आता है? वो यहाँ पे जो खान होती थी उसकी वजह से आता है, जिसे बोला जाता है ग्रे गोल्ड। अब ग्रे गोल्ड क्या हुआ, आई टेल यू, वो स्लेट जो आपने देखा होगा घरों में हिमाचल में, जो स्लेट वगैरह होते हैं घरों में, जो हिमाचल में स्लेट वगैरह होते हैं, है ना, तो वो सब कहाँ से, खानों से आते हैं। वो सामने पहाड़ दिख रही है आपको, वहाँ से आते हैं। तो मैं आपको उसका व्लॉग भी बताऊंगी ऊपर खान पे ले जाके, कि वहाँ पे कैसे कैसे काम किया जाता है। तो गाइज मैं आपको वहाँ पे ज़रूर लेके जाऊंगी, बट आज नहीं। अगर आपको वो व्लॉग देखना है ना तो आप कमेंट करके बताइए, और यस उसके बाद मुझे आपको इंद्रनाग का व्लॉग भी बताना है, अघंज महादेव का व्लॉग भी बताना है, और खान का भी देखना है ना, वहाँ पे कैसे कैसे काम होता है। वो पहाड़ पे लेके जाना है मुझे आपको, देख लो इतनी मेहनत करनी है तो एक कमेंट तो बनता ही है आपको बताने का। और उसके बाद आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो
बाय गाइस। अभी बोलिए मानवी, बाय बाय गाइस, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।